हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू 0। ये रोका गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0 हो जाएगा, यहाँ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको मना किया। इसका कोई यूज नहीं, हमें करना है सॉल्व करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। x x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है यहाँ 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी एक्स का कोफिशियंट माइनस 3, सी माइनस 1। अब यहाँ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करते हैं उसमें कहा गया हो। पिछले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लिविंग क्वेश्चन क्या, इफ एग्जिस्ट वर्ड डाल दिया था उन्होंने, इफ एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगाना चाहेंगे लगा देंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है माइनस माइनस 3 प्लस माइनस, तो माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए 1 है और सी माइनस 1, ए 1 एंड सी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। देखिए यहां से स्टार्ट, एक्स इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस सॉल्व करेंगे 9 और प्लस 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4, 9 प्लस 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 अपॉन 2 इसका हमको रूट नहीं मालूम, रूट 13 इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो देखें प्लस साइन एक्स इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, देखें माइनस साइन एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो दीज आर द आंसर्स, ये रूट्स है, एक्स की वैल्यू भी रूट बोला जाता है सबको मालूम है। और द वीडियो नोट डाउन, देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। एलसीएम आएगा, दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एक्स माइनस 7 का 1 में होगा मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 4 का इस माइनस 1 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, एक्स में दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई आ गया और ये साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो माइनस 11 और माइनस 7x माइनस 1 होगा 8x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 30 का इधर उस ब्रैकेट का इधर जाएगा। अब चाहे तो हम 11 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में आएगा तो, अब माइनस 30 है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सॉरी 7 हो गया 28 होगा, यहाँ माइनस के 28 7 हो गया माइनस के 28 सॉरी माइनस के 28 और प्लस 30 आ गया, माइनस 30 है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया,
एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, अरे गलत गड़बड़ कर दी है, फोर का एक्स होगा फोर एक्स होगा, प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, तो बेटा यहां हमने गलत कोड कर दिया था, x प्लस वन लिख दिया था, इसकी बेस प्रॉब्लम हुई थी। अब मल्टीप्लाई करेंगे x का x में x स्क्वायर, x का माइनस सेवन में करेंगे, 4 का x में तो प्लस फोर एक्स, फोर सेवन या 28। अब यहां बचेगा माइनस थ्री एक्स, ये प्रॉब्लम हुई थी। अब आप देख लीजिए ये सब कुछ उधर माइनस थर्टी है तो प्लस थर्टी हो जाएगा, थर्टी माइनस ट्वेंटी एट टू बच गया। अब हम इसे किसी भी कल्चर से कर सकते हैं, हम चाहे थे इसको अब हम फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं या फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अगर हम कंपेयर तो इसी से करेंगे जो तो फिक्स है, जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ए है ना वन बी माइनस थ्री सी टू, तो ए हो गया वन, बी हो गया माइनस थ्री और सी हो गया टू, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसमें एबीसी की वैल्यू रखेंगे हम, माइनस बी की वैल्यू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है वन सी है टू अपॉन टू इंटू वन, थ्री प्लस माइनस नाइन और फोर टू या एट माइनस एट। अब यहां इक्वल लेंगे तो यहां बचेगा थ्री प्लस माइनस रूट में वन आएगा और वन का रूट हमें मालूम वन होता है, तो ये वैल्यू आ गई, तो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन एक्स इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर अपॉन टू मतलब टू आ गया, एक्स की वैल्यू टू आ गई, टेकिंग माइनस साइन थ्री माइनस वन अपॉन टू टू अपॉन टू एक्स की वैल्यू वन, तो टू वैल्यू जाके देखिए टू एंड वन, तो लास्ट में इसको लिख दीजिए x इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन, ये आंसर आ गया फॉर द वीडियो नोट डाउन। देखिए बेटे इस क्वेश्चन में द सम ऑफ रहमान रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सीज इन इयर्स थ्री इयर्स एगो एंड फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ इज वन अपॉन थ्री, फाइंड द रहमान प्रेजेंट एज। तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज मतलब आज की एज फाइंड करना है, तो लेट रहमान प्रेजेंट एज एक्स इयर्स, सेकंड में क्या दिया है थ्री इयर्स एगो मतलब बिफोर, पहले एगो के लिए क्या रहमान की एज एगो में क्या होगी प्रेजेंट एज में से माइनस हो जाएगी, तो माइनस थ्री हो गई। फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ रहमान एज मतलब आफ्टर फ्रॉम नाउ मतलब इसके बाद, प्रेजेंट एज में प्लस फाइव हो जाए तो आफ्टर फाइव इयर्स है, तो ये थ्री इयर्स फ्रॉम एगो की एज है पहले की एज है, ये फाइव इयर्स आफ्टर की एज है। अब इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, इन दोनों का सम रेसिप्रोकल माइनस का कन्वर्स उल्टा, इन दोनों का सम गिवन है वन अपॉन थ्री। अब एलसीएम लेंगे दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, एज इट रहेगा एक्स प्लस फाइव इधर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इधर, इस वन में तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में टू एक्स प्लस टू, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स तो प्लस के टू एक्स आएगा और माइनस के फिफ्टीन,
अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, थ्री का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, थ्री टू या सिक्स एक्स, थ्री टू या सिक्स, ये सब वन के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सब कुछ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो इधर से सब उठा के ले जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ जीरो बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टी, और प्लस का ये माइनस हो जाएगा सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स माइनस के ट्वेंटी। हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोई मेथड लिखा हुआ नहीं आता, ना कोई मायने रखता है, तो हम फैक्टर मेथड से कर देते हैं। देखिए 21 का वन में करें 21 मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 7 3 21 7 माइनस 3 4 आता है, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में आ जाएगा 7x माइनस 3x, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड एक्स कॉमन आएगा फर्स्ट पेयर में, एक्स माइनस सेवन बचेगा, यहाँ थ्री से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, थ्री कॉमन आएगा, थ्री वन जाए थ्री वन एक्स, थ्री सेवन जाए ट्वेंटी वन, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस सेवन, और सेकंड में आएगा एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस सेवन को जीरो लेंगे, एक्स प्लस थ्री को जीरो लेंगे, कॉमन ब्रैकेट सेपरेट जीरो कर देंगे, कि माइनस सेवन का प्लस सेवन और प्लस की हो जाएगी माइनस थ्री। ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की भी एक नेगेटिव नहीं होती, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री नॉट पॉसिबल हो जाएगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, एक्स की वैल्यू रख देंगे कितना है 7 ईयर्स, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट एज एक्स ली थी इसलिए एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो और द वीडियो नोट डाउन, देखिए तो इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5 क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं उनका सम 30 है। आगे कंडीशन ये बने हैं कि अगर इसके दो मार्क्स मैथ में ज्यादा आ जाते मोर, और इंग्लिश में टू मार्क्स लेस, एक बार चेक कर रहा हूं मैं, देखिए 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, तो क्या हो जाता, फिर जो मार्क्स होते न्यू कंडीशन में उनका प्रोडक्ट 210 के बने, 210। देखिए लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स हो गए, मैथ्स लिख दिया शॉर्ट में, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, तो दोनों का टोटल 30 था, तो टोटल में से अगर मैथमेटिक्स वाले माइनस कर देंगे इंग्लिश वाले आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैथ में 2 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते, देखो पहले एक्स से एक्स प्लस टू हो गए, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स कम हो जाते, तो 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस एक्स तो -3 हो गए। अब इन दोनों कंडीशन में मार्क्स आए सेकंड कंडीशन, उसका प्रोडक्ट है 210, एक्स प्लस टू या 27 माइनस एक्स बचेगा 30 माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 माइनस के 2x, और 210 भी इधर ही ला रहे हैं, ये आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 27
27 में से 2 माइनस हो जाएगा, 25x प्लस के, यहां 0 बचा है, 54 और 210, फिर 264 हो जाएगी, दोनों नेगेटिव हैं, 264, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जब ये पूरे का साइन चेंज हो जाएगा होल इक्वेशन के, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। अब हमें फिर वही कुछ भी फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, अगर हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, ये हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस के 25, सी हो जाएगा 264, फॉर्मूला में से लगा रहा हूं, तो देखिए तो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। माइनस बी की वैल्यू और पहले से नेगेटिव है तो डबल माइनस बी स्क्वायर है माइनस के 25 का स्क्वायर, 4ac, तो 4 इंटू ए 1 है और सी है 264, देखिए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के 25 प्लस माइनस 54 का 55 का 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 4 या 16 कैरी 1, 4 6 या 24, 25, 4 2 या 8, क्या हुआ ये 27x माइनस 25, कहां गलत हुआ है 27x, गलती ये हुई, देखिए यहां पे 27 का करेंगे प्लस का आएगा तो 210 इसमें से माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो देखो 10 माइनस 4 6 और 10 माइनस 5 156 आएगा, माइनस का 156, सॉरी बेटा, तो माइनस का 156, देख तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 है 24, 4 5 है 20, 22, 4 1 है 4 और 2 6, ठीक है। देखिए बेटे यहां देखिए ये माइनस के 156 है लेकिन साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा, तो यहां ये गलती हमसे हुई थी, मिस्टेक, तो हमने ठीक की है। अब ये 6 इसका स्क्वायर 625 और ये हो जाएगा माइनस के 624, बन आ गया। अब बन का रूट बन ही होता है, तो देखिए तो ये अपना यहां तक आ गया, एक्स की वैल्यू निकालना है हमको, दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स यहां निकालना है, तो ये क्वेश्चन और सोल्व हुआ, पहले इतना नोट कीजिए आप और जब वीडियो नोट डाउन, देखिए बेटे हमारा एक्स की वैल्यू आ जाए 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा 13, जब हम माइनस साइन लेंगे 25 माइनस 1 अपॉन 2 12 आ जाएगा। अब अपने पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, एक बार हम पहले एक्स की वैल्यू 13 लेंगे तब चेक करेंगे वहां क्या पोजीशन है, तो टेकिंग एक्स इक्वल टू 12 ले रहे हैं तो
45 marks in mathematics. मैथमेटिक्स के मार्क्स एक्स लिए थे हमने, ये 12 हो गए। 45 मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स से 30 - x 18। और सेकेंड कंडीशन देखिए, टेकिंग एक्स इक्वल टू 13, टेकिंग 13 लेंगे हम तो 45 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स की वैल्यू लीजिए तो ये आएगी 13। 45 मार्क्स इन इंग्लिश, 30 - 13 17। तो बेटा जब हम एक्स की वैल्यू 12 यूज करेंगे तो शैफाली के मैथमेटिक्स में मार्क्स 12 हो जाएंगे और इंग्लिश में हो जाएंगे 18। जब हम एक्स की वैल्यू 13 यूज करेंगे तो मैथमेटिक्स में मार्क्स 13 और इंग्लिश में 17। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, 12 18 और 13 17 दोनों से जो कंडीशन गवर्न है क्वेश्चन में, दोनों फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए दोनों आंसर माने जाएंगे इसमें। और द वीडियो नोट डाउन, देखिए बेटे ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल जैसा, लाइक रेक्टेंगल, इसका डायगोनल है, जिसे डायगोनल को अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने बनता है, इसमें शॉर्टर साइड है ना ये ब्रेथ, ये दोनों, ये एक्स ले लिया हमने तो डायगोनल एक्स प्लस 60 मोर देन, और लॉन्गर साइड ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, एक्स प्लस 30 हो जाएगी, तो हमें साइड फाइंड करना है, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ये सब देखिए। लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, हमने नाम दे दिया, तो बीसी एंड एडी दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये एंड डायगोनल एसी या बीडी भी ले सकते हैं, डायगोनल 60 ज्यादा, इससे शॉर्टर साइड से 60 मोर, 60 ज्यादा है, एक्स प्लस 60 हो जाएगा, लॉन्गर साइड ए बी एंड डी सी एक्स प्लस 30 मीटर, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल राइट एंगल, तो हम इसमें डायगोनल डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू ट्राइंगल्स, देखो इसको डायगोनल रेक्टेंगल को टू ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम एबीसी ट्राइंगल लेंगे या एडीसी, दोनों राइट एंगल होंगे, तो यहां राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखो ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अकेला रहेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का इक्वल होता है, तो जो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम ए सी स्क्वायर सिंगल रखना, अकेला रखना, चाहे इधर लिख दीजिए या इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी है एक्स प्लस 30, बी सी है एक्स, ए सी एक्स प्लस 60,
यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां भी ए प्लस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के कैंसिल हो गए, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, यहां 120x प्लस 3600, सब कुछ इधर लाइए, एक्स स्क्वायर ये जरा के माइनस में आ जाएंगे, 60 माइनस 120 तो 60x माइनस 120x, 900 माइनस 3600 तो कितना बचा है, माइनस 60x माइनस के 2799 00। अब हमें इसे सॉल्व करना है किसी भी मेथड से जो मेथड सूट कर रहा हो आपको। देखो यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 2700, तो 9 3 27 होता है, तो 90x और माइनस 30x आ सकता है। देखिए जो आपको सूट करे वही मेथड आप लगाइए। देखिए x स्क्वायर माइनस 90x प्लस के 30x, यहां कॉमन आ गया x, x माइनस 90, 30 कॉमन आ गया x माइनस 90, एक ब्रैकेट में x माइनस 90 आ गया, एक में x प्लस 30 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 90 प्लस के और x की वैल्यू आ गई माइनस 30, ये नॉट पॉसिबल। क्यों, लेंथ एंड ब्रेथ नेवर नेगेटिव, किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी x इक्वल टू 90। इसे वॉच द वीडियो नोट डाउन, फिर हम आगे इसके सॉल्व करेंगे। देखिए x की टू वैल्यू थी, एक तो x की वैल्यू माइनस 30 थी, तो नॉट पॉसिबल हो गई, नॉट पॉसिबल क्योंकि लेंथ नेवर नेगेटिव, लेंथ ऑफ ब्रेथ नेगेटिव। तो x की फर्स्ट कंडीशन बची है केवल फर्स्ट वन एंड ओनली वन 90। तो शॉर्टर साइड से BC एंड AD दोनों इक्वल है, x लिया था हमने, x की वैल्यू क्या है 90, तो 90 मीटर आ गए, एंड लॉन्गर साइड AB इक्वल टू BC, ये दोनों x प्लस 30 है, AB की वैल्यू एंड BC की वैल्यू दोनों की 90 प्लस 30, तो दोनों कितनी आ गई 120 मीटर। तो साइड्स ऑफ हील्ड देखिए, तो 90 मीटर 120 मीटर 90 मीटर 120 मीटर, ये फोर साइड्स हैं, यही आंसर है। वॉच द वीडियो नोट डाउन।